हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड इखलाक एंड यू आर वाचिंग इखलाक खान गेमिंग। एक बार फिर से हाजिर आपका भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके। आप लोगों को पता ही हो गया होगा, आप लोगों ने और भी वीडियोस देखे होंगे, न्यूज़ खुद भी देखा होगा, आप लोगों को पता ही हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा। नॉटिलस मोबाइल की मेरा ये मकसद है इस वीडियो में आपको बताना कि नॉटिलस मोबाइल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर बिफ़ोर एंड आफ्टर, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी जो कंपनीज़ है नॉटिलस मोबाइल से जुड़ी है, कब कब जुड़ी, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है, क्या इससे रियल क्रिकेट 22 जो गेम आने वाला है उसमें देरी होगी या जल्दी आएगा, ये सब आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसमें कुछ कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि आप लोग ना देखें। उससे पहले ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आदर, पूर्णिमा, सचिन, क्राफ्टन जो भी इनसे जुड़े हैं उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। सो गाइस हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे बिफ़ोर नॉटिलस मोबाइल जो रियल क्रिकेट 22 रियल क्रिकेट जिसने बनाया है वो एक प्रोप्राइटर था, यानी कि उन्होंने खुद अकेले अपने दम पे एक मोबाइल गेम इंडस्ट्री चालू की थी इंडिया में और उन्होंने एक गेम क्रिएट किया था। उस टाइम उनसे कोई भी नहीं जुड़ा हुआ था, ना ही जेस सिंथेसिस, ना ही आदर पूनम वाला, ना ही सचिन तेंदुलकर, ना ही क्राफ्टन। सो लोगों ने देखा इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है तो लोग इनसे जुड़ना चाहते थे। तो बताऊँगा आपको, जब ये एक प्रोप्राइटर था नॉटिलस मोबाइल, उसके बाद में सबसे पहले जो कंपनी थी वो थी जेट सिंथेसिस। जी गाइस, जेट सिंथेसिस ही पहली कंपनी थी जिन्होंने नॉटिलस मोबाइल के साथ में हाथ मिलाया और उसे एक्वायर किया। एक्वायर करना मतलब, मैंने एक आर्टिकल भी देखा है उसमें मेंशन भी, आपको मैं आगे जाके बताऊंगा उस आर्टिकल में क्या है, 100% स्टेक होल्डरशिप उन्होंने इस कंपनी की ले ली। लेकिन एक बात ये थी कि कोई भी जब कंपनी किसी कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर करती है तो वो जो कंपनी होती है प्रीवियस वो पूरी तरीके से मिट जाती है, यानी कि नॉटिलस मोबाइल का कहीं नाम होता ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा जो एक कंपनी थी हज, जब उसको वोडाफोन ने एक्वायर किया तो हज का नाम निशान ख़त्म हो गया, हज के जितने भी जो जॉब्स वगैरह थे वो सब बंद हो गए। और लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जेट सिंथेसिस ने जब इनके साथ हाथ मिलाया उनका पूरा 100% उनको एक्वायर किया, लेकिन जो कंपनी थी नॉटिलस मोबाइल वो वहीं की वहीं रही। वहाँ पे जो मैनेजमेंट में जो काम कर रहे थे, डेवलपर्स थे, सब वही थे, वो लोग अपना काम कर रहे, उनका जॉब सिक्योर था। जेट सिंथेसिस ने सिर्फ इनको एक्वायर किया। जेट सिंथेसिस, आपको पता है कि ये एक ऐसी कंपनी जो कि गेम्स वगैरह पे अपना काम करती है, उन्होंने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, मैंने देखा है, उन्होंने लूडो का भी एक गेम बनाया है और भी बहुत सारे गेम्स बनाए हैं। सो गाइस, इस चीज़ के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जब ये पहली कंपनी नॉटिलस मोबाइल के साथ जुड़ी उसके बाद में उन्होंने, आपने देखा है कि 2020 में आपको रियल क्रिकेट 20 देखने को मिला, जो कि कितना अच्छा गेम है आपको खुद ही पता है, उसके ग्राफिक कितने अच्छे हैं, आपको मल्टीप्लेयर देखने को मिले, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक और ऐसे जाने माने शख्स, सचिन तेंदुलकर, लॉर्ड ऑफ द गेम, क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। इन्होंने इंटरेस्ट लिया, इन्होंने जेट सिंथेसिस को साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट किया। इन्होंने $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है जेट सिंथेसिस कंपनी में। उससे ये फ़ायदा हुआ नॉटिलस मोबाइल को एक्वायर किया जेट सिंथेसिस ने, करेक्ट। सो इससे कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, कोई भी स्टेक होल्डरशिप ले जेट सिंथेसिस में, इससे डायरेक्टली फ़ायदा नॉटिलस मोबाइल कंपनी को होगा, जो कि सचिन तेंदुलकर ने, आप स्क्रीन पे भी आगे देखोगे, जब इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में थोड़े आपको और भी चेंजेस देखने को मिले, और भी फीचर्स देखने को मिले। अब बात करेंगे ऐसे और एक जाने माने शख्स के बारे में जिनका नाम है आदर पूनम वाला। इन्होंने भी 20% स्टेक होल्डरशिप ली थी जेट सिंथेसिस कंपनी, तो इससे भी इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको हुआ, नॉटिलस मोबाइल कंपनी को। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 20% स्टेक होल्डरशिप इन्होंने ली थी जेट सिंथेसिस कंपनी में। ये थे दूसरे इंसान जो कि जेट सिंथेसिस और नॉटिलस मोबाइल के साथ में जुड़े थे। इसके बाद में और भी लोग थे जो कि जुड़ना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री में कितना नाम कमा रहे जेट सिंथेसिस और नॉटिलस मोबाइल, तो लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा माइनॉरिटी जो होती है, माइनर स्टेक होल्डरशिप, वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। और फिर आपने देखा आज की न्यूज़ है कि क्राफ्टन एक ऐसी जानी मानी कंपनी है जिन्होंने इंडिया में जो बैटल ग्राउंड और पबजी है वो गेम की ये मालिक है, और इन्होंने 5.4 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया नॉटिलस मोबाइल में।
और क्योंकि इनको पता है, ये एक साउथ कोरियन कंपनी, इनको पता है ये कि आगे जाके कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, यू नो कितनी जानी मानी कंपनी ऑलरेडी है और ये होगी भी। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए आप लोग आगे और भी देखेंगे कि और भी कंपनियां जुड़ना चाहेगी रियल क्रिकेट से, आई मीन नॉटलेस मोबाइल और जेट सिंथेसिस से। और अब बात करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या डिले हो जाएगा, क्राफ्टन ने अभी हाथ मिलाया है जेट सिंथेसिस से, नॉटलेस मोबाइल से, तो क्या डिले होगा रियल क्रिकेट 22 में आने में? तो मेरा कहना है नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस कि ये एक बेसिक है। अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को अक्वायर करती है या फिर यू नो उनसे हाथ मिलाती है, कुछ उनके शेयर लेती है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजॉरिटी स्टेक होल्डरशिप हो, कोई भी कंपनी जो उनका जो करंट प्रोजेक्ट है या फिर जो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है उसमें कभी फेयर नहीं करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी गेम ऑलरेडी रियल क्रिकेट के बन चुके हैं वो उसमें इंटरफेयर अभी नहीं कर सकती है, और ना ही जो क्रिकेट अभी फिलहाल जो बन रहा है रियल क्रिकेट 22 का ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट बन गया है और बहुत जल्दी रिलीज़ भी हो जाएगा, तो उसमें अब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो आगे अब से जो भी नई चीज़ें आएगी या फिर आने वाली है वो उसमें दखलंदाजी करके चाहेंगे कि वो और भी अच्छा बन के निकले। अब क्राफ्टन, बैटल ग्राउंड जिन्होंने मोबाइल गेम बनाया है और पबजी वगैरह, तो कितनी बेहतरीन कंपनी है आप लोगों को पता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक वगैरह। सो आप लोगों को हाँ ये हो सकता है कि जब रियल क्रिकेट 22 रिलीज़ हो जाए और उसमें कुछ बग्स फिक्स करना हो, उसे अपग्रेड करना हो, तब आप देख सकते हो कि ये कंपनी उस वक्त दखलंदाजी करके चेंजेस, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करके इसे और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी जो हो चुका है, जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, उसमें वो बीच में आके कुछ ऐसा कर दे, उससे डिले हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो भी अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा, इसमें क्राफ्टन कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आप लोगों को जब भी आने वाला था क्रिकेट उसी टाइम पे आपको मिलेगा, इसमें कोई डिले नहीं होगा। ये किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने से कुछ डिले हो गया तो ये आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो भी अफवाह है उस पर आप ध्यान ना दीजिए, आप लोग रिलैक्स कर लीजिए। बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में आपको बिल्कुल ट्रेलर वगैरह और गेम भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए। आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि नॉटलेस मोबाइल की स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। एक प्रोपराइटर से इसमें एक प्रोपराइटर था पहले वो, और अब इतना आगे बढ़ चुका है, इसमें बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब आपको आगे बहुत से बेहतरीन गेम देखने को मिलेंगे जो कि नॉटलेस मोबाइल जैसे सिंथेसिस क्राफ्टर मिल के बनाएंगे, और ना ही सिर्फ क्रिकेट, स्पोर्ट्स में ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं इंडिया को। और आपने देखा कि जो रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ, इस बजट में भी एक अच्छा खासा बात की गई है कि ई स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में को बूस्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो आपको आगे बहुत से अच्छे अच्छे गेम्स और टूर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि शायद से नेशनल स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज होंगे। सो यही था जो मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बनाया तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से वहाँ बोल दी होगी, लेकिन फिर भी आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।